हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसे हम बोलते हैं चेस्ट माउंटिंग सेट। बेसिकली इसमें हमारा जो फोन होता है हम उसे इजीली यहाँ पे सेट कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं और जाके हम कभी भी कहीं भी जाके वीडियो बना सकते हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट मेरा आ गया है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा प्रोडक्ट, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि ये कैसा होता है और हम कैसे यूज करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे। और ये मैंने फाइनली अमेजोन से मंगाया है, जैसे कि आप देख सकते हो अमेजोन से मंगाया है। और इसकी कॉस्ट है, इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन वीडियो के एंड में। तो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, रेडी? तो फाइनली अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है और कैसे माउंट होगा, ठीक है। तो ये रहा जैसे कि मैंने मंगाया है और इसका पूरा सेटअप बिल है, ठीक है। इसकी कॉस्ट मैं चलो बता ही देता हूँ, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 380 में। ये मैंने अमेजोन से लिया है और फ्लिपकार्ट भी है, कुछ सस्ते भी हैं कुछ महंगे भी हैं, बट यार मुझे 380 वाला काफी सही लग रहा था तो फिर मैंने ये ले लिया। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और ज्यादा चीप भी नहीं है। चीप में ये होता है कि बाद में जो उसकी स्ट्रिप्स रहती है वो काफी स्ट्रेचेबल नहीं होती है, स्ट्रेचेबल होती भी है तो उनकी इलास्टिसिटी बहुत ही मतलब वीक होती है। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो 380 का पड़ा है और ये इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है, फ्री ऑफ डिलीवरी चार्जेस था। तो फाइनली हम खोलना चालू करते हैं। तो फाइनली इसे खोलते हैं और ओके, तो ये है और साथ में क्या है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट, इसे खोलते हैं। और अच्छा, तो थोड़ा ऐसे है, अरे वाह। तो ये है अपना प्रोडक्ट, ये है अपनी बेल्ट, ठीक है। इसे कैसे लगाएंगे वो भी देखते हैं। तो मुझे इसके साथ मिली है ये तीन चीज, एक तो जिसे बोलते हैं जे स्क्रू बोलते हैं, इस चीज को आप लोग देख सकते हो, और ये एक इसके साथ स्क्रू है। और ये जो है इसको भी खोल के दिखा देता हूं मैं। और ये है जिसपे हम अपना फोन सेट करते हैं, फोन माउंट करते हैं, और ये उसे ग्रिप भी देता है, ठीक है। तो अभी लगाते हैं, मैं लगा के भी दिखाता हूं आपको कैसे लगता है। तो ऐसा तो यार मुझे भी नहीं पता ये लगता है इसमें, ये जो जे अपना जो जे स्क्रू है वो बेल्ट के माउंट पे लगाएंगे, इसे फिक्स करेंगे, ठीक है। ये लग गया और मैं भी पहली बारी कर रहा हूँ यार पर सही जा रहा है, अच्छा जा रहा है। तो फाइनली गाइस अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है और मैंने पूरा सेटअप भी तैयार कर लिया है। इस सेटअप को करने में मुझे काफी टाइम लग गया, लग रहा था ये इजी सा है लेकिन ये भसड़ा सही में बहुत ज्यादा। और देख सकते हो, पूरा देख लो ये होता कैसे है। जो जहाँ पे हमारा मोबाइल माउंट होगा वो होगा यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन पे, और आप इसे फ्रंट की तरफ भी कर सकते हो और इस बैक की तरफ भी कर सकते हो अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से। और जो अपना जो स्क्रू था वो आपको यहाँ पे लगाना है, ताकि ये जे स्क्रू जो है जो जे शेप में था वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा इस स्क्रू के थ्रू, और उसके बाद ही पूरा माउंटिंग सेट लगा देना जिसपे आपका फोन माउंट होगा, ठीक है। और ये साथ में एक बेल्ट है और इसमें काफी स्ट्रिप्स हैं और ये काफी स्ट्रेचेबल है। तो फाइनली से पहन के देखता हूँ ये पहनते कैसे हैं। पहनना तो जस्ट ऐसे ही होगा कि जैसे कोई टी शर्ट पहनते हो आप, ये पहना कुछ ऐसे ही जाएगा और सही तरीका तो यही है इसका। तो इस तरीके से रहेगा, ऐसे भी देख सकते हो, तो ठीक है ये इस तरीके से है। बाकी आप इसे उस साइड भी कर सकते हो, बैक साइड कर सकते हो। और एक चीज एक और है, अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है, तो ये जो स्क्रू है ये वाला स्क्रू, ये पतला वाला स्क्रू, इसे आप लूज करोगे तो आप इसको मूव भी कर सकते हो ऊपर नीचे ऐसे अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हो, और जहां पे आपको लगे कि हाँ वीडियो सही बन गई है तो बस सेटअप है।
और मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ, उसका व्यू कैसा होता है, ठीक है। आपके हाथ भी पूरे फ्री रहेंगे और आप पूरी वीडियो भी बना सकते हो किसी से बात करते हुए। तो इससे क्या होता है कि इससे जब हम बात करते हैं कैमरे पे तो हेजिटेशन थोड़ी कम होती है और सामने वाला बंदा भी हेजिटेट नहीं होता, कभी कभार हम भी हेजिटेट हो जाते हैं, है ना। मैं तो बहुत ज्यादा होता हूँ ऐसे। तो अब मैंने ये ले लिया है, तो फाइनली अब हेजिटेशन के दिन गए, अच्छे दिन आ गए फाइनली। तो ठीक है, आपको एक छोटा सा मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ, इस पे कैमरा माउंट करूंगा और चलते हैं फिर बाहर, चल के दिखाते हैं कैसा है नजारा। तो भाई फाइनली मैं निकल चुका हूँ माउंट स्टेप में चेस्ट पे लगा के, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर आपको व्यू दिखाने के लिए कि व्यू एक्चुअली आ कैसा रहा है। व्यू की बात करूँ तो स्टेबल है, स्टेबल है। अगर आप हेलमेट वाला माउंट सेट लेते हो उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें काफी शेकनेस उसमें ज्यादा होती है, लेकिन इसमें फिर भी काफी कम है और आप देख सकते हो कि इतना शेकीनेस नहीं है इसमें। तो मैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिस्फाई हूं। अरे भाई थोड़ा बच के, अरे यार तो ट्रैफिक भी इतना है ना भाई साहब, इतना ज्यादा ट्रैफिक दिल्ली में। चलो भाई रेड लाइट क्रॉस करते हैं, आगे चलते हैं। तो मैं बोल रहा था कि हाँ शेकीनेस है बट ठीक है यार, मतलब आपको वीडियो अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। हाँ लेकिन अगर आपके फोन में अगर स्टेबलाइजर वाला फंक्शन है, मीन्स वीडियो स्टेबलाइजिंग वाला फीचर है, तो वो तो काफी अच्छा है फिर तो। और बाकी स्टेबिलिटी तो इससे भी ठीक ठाक आ रही है, थोड़ी सी शेकनेस है बट इट्स ओके, काम चलाने लायक है यार, आराम से बन जाएगा। और भाई अभी हम चल रहे हैं जंतर मंतर की तरफ, जंतर मंतर की तरफ जाएंगे, मतलब जंतर मंतर पे नहीं जाएंगे, उस साइड जाएंगे, फिर आगे से देखते हैं कोई अच्छा रोड पकड़ेंगे ताकि आपको अच्छा सा व्यू दूं और स्टेबिलिटी का पूरा पता लगे। और कभी कभार ये हो रहा है कि कभी कभार ना जैसे कभी झटके वटके आ रहे हैं, तो जो अगर आपका वो स्क्रू ढीला है तो फिर वो थोड़ा कैमरा बार बार नीचे हो जा रहा है, तो उसको आप टाइट करके फिक्स करके रखना, अदरवाइज गिर भी सकता है। तो ये ध्यान रखने की टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, अगर ढीला हुआ तो फोन नीचे लटक जाएगा और गिर भी सकता है। तो हर चीज को आपको जितने भी इसके स्क्रू हैं वो एकदम टाइट करके अच्छे से फिक्स कर देना ताकि आपका फोन गिरे ना, ठीक है। ओके बाय। तो कैसी लगी वीडियो आप लोगों की, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जाते आते शेयर भी कर देना।